हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और ये लीजिए, हमारे इधर बारिश हो रही है, रात से ही बारिश हो रही है, झमाझम झमाझम। और मॉर्निंग में बारिश होना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है कामों में, बट अच्छा लगता है। और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है हमारे इधर का। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और मैं बनाने जा रही हूँ आलू चना का घुघनी। हम लोग घुघनी कहते हैं इसको, और इसको मूढ़ी के साथ हम लोग मिक्स करके खाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इधर पेन में मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी थोड़ा सा बनाना भी है, क्योंकि बेटी का ट्यूशन रहेगा 9 बजे से, तो नाश्ता वगैरह करके जाएगी अपना ट्यूशन, इस वजह से। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने प्याज भून लिया है, उसके बाद जस्ट बाद मैंने आलू डाल के थोड़ा देर उसको भून ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे चना को ऐड किया है। और ऊपर से मैं ये अदरक क्रश करके डाल रही हूँ, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पीस के नहीं रखी थी, इस वजह से मैं उसको क्रश करके यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद नमक गया है, हल्दी गया है, उसके बाद ये मैंने पानी ऐड कर दूँगी यहाँ पर, और उसके बाद कवर कर लूँगी। और ये देख सकते हैं कि मैंने टमाटर यहाँ पर खड़ा डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, टमाटर मैं कट करके नहीं रखी थी, इसी वजह से मैंने डाल दिया है, और ऐसे भी टेस्ट अच्छा ही आ जाता है। और इधर मैंने लगा दिया है बेटी का ब्रेकफास्ट। तो फ्रेंड्स, मैं नहा धोकर के कंप्लीट हो गई हूँ, मॉर्निंग के सारे रूटीन मेरे ख़त्म हो गए हैं। और किरण चली गई है ट्यूशन, उसी का थोड़ा सा हड़बड़ाहट था मुझे कि मैं क्या करूँ, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठी थी ना, क्या संडे है इस वजह से। तो संडे वाले दिन ऐसे भी हम सब मॉम्स जो है थोड़ा सा लेट सेट ही उठते हैं, बट काम भी उतना ज़्यादा हो जाता है, कहने के लिए संडे होता है, बट फ्री हम नहीं हो पाते हैं उस दिन, ज़्यादा काम हम लोगों को हो जाता है। तो सारे काम मेरे ख़त्म हो गए, मैं नहा करके आ गई, नाश्ता वगैरह मेरा कंप्लीट हो गया है। और हमारे इधर का आज वेदर जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, बिल्कुल क्लाउडी सा मौसम हो गया है, और छोटी छोटी बूंदें जो है पड़ रही हैं ओस की जैसे, बिल्कुल छोटा छोटा बूंदें पड़ रही है, बट अच्छा मौसम हो गया है। मॉर्निंग से ही इधर का वेदर अच्छा हो रखा है, और मॉर्निंग में तो थोड़ा बहुत बारिश भी हो गया था, बट अभी बारिश नहीं है, बस क्लाउडी मौसम किया हुआ है। तो खाना वगैरह मैं क्या बनाऊंगी अभी तक तो सोची नहीं हूँ, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फ्रिज में मेरा अरबी के पत्ते रखे हुए हैं, उसी से कुछ बना लूँगी, और थोड़े मोड़े ही बनाऊँगी। मॉर्निंग के घुघनी चना जो है मेरा रखा हुआ है, तो उसी से आज काम चलाऊँगी। तो फिर चलिए, मैं आप लोगों को इधर का व्यू थोड़ा सा दिखाती हूँ कि कैसा व्यू है हमारे इधर वेदर का। ये देखिए, धूप बिल्कुल से नहीं है, अच्छा मौसम है कहीं आने जाने के लिए, थोड़ा सा बारिश तो थोड़ा मोड़ा हो रहा है बीच बीच में करके, लेकिन मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा, एक उमस वाली जो गर्मी थी वो आज बिल्कुल से एहसास नहीं हो रहा है। और रात से ही थोड़ी सी ठंडी ठंडी महसूस हो रही थी, जैसे बेडशीट वगैरह लगा करके ओढ़ के सोई थी तो अच्छा फील हो रहा था। तो यही है, थोड़ा सा कपड़े सुखाने का प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, बाकी मौसम ठीक है। बोल ही रही थी वेदर का बात, और ये देखिए पानी फिर से स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल से ओस की बूंदों जैसी आपको नजर आ रही होगी। मैं अभी आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ इंडिपेंडेंस डे कर को लेकर के, इसके मैं पहले मैं इसे कर लेता हूँ अच्छे से सॉल्व, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे क्यूब में ये फ्लैग के जो 3 कलर होते हैं वे मैंने क्यूब में सेट किया है, ये ऑरेंज जिसको हम केसरिया भी बोलते हैं, ये सफ़ेद जिसको हम इंग्लिश में वाइट बोलते हैं, ये हरा जिसको हम इंग्लिश में ग्रीन बोलते हैं, और ये नीला जिसको हम इंग्लिश में ब्लू बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 24 लाइन तो नहीं अटे, लेकिन मैंने यहाँ पे मार्कर से लाइनिंग डिजाइन कर दिए है ना। ये है मेरे बाबू का आर्ट जो क्यूब से बना लिया है तिरंगे को। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, मैं फटाफट से लंच भी रेडी कर लूँगी, कोई रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों से। और फ्रेंड्स, मेरी जो आज की वीडियो है मॉर्निंग टू लंच रूटीन, बस मेरा यहीं तक का था। और ये देख सकते हैं डिलीशियस लंच। तो करती हूँ वीडियो का एंड, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।